अपनी वीडियोस में मैं जब भी ये बातें करता हूँ कि बेल बॉटम फ्लॉप हो गई, बॉलीवुड की ये फिल्म फ्लॉप हो गई, आने वाली इस फिल्म का ये हश्र होगा, तब कोई यकीन नहीं करता। और जब हम ये बातें बोलते हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन सुशांत सिंह राजपूत का केस है, कोरोना है और अब आने वाले समय में OTT प्लेटफॉर्म होगा, तो इन बातों के ऊपर कोई यकीन करना ही नहीं चाहता है, खासकर वो जो इन सितारों के कट्टर वाले फैन है। इन्हें यकीन ही नहीं होता कि हमारा स्टार कैसे फेल हो सकता है, वो तो आसमान का उभरता हुआ सितारा है। आसमान का सितारा टूट सकता है लेकिन बॉलीवुड का सितारा नहीं टूट सकता, ऐसे ऐसे तो फैंस हैं इनके। इन लोगों को अपने सितारों के ऊपर इतना विश्वास होता है कि बॉक्स ऑफिस पर आने वाली इनकी फिल्में इतनी बम्पर कमाई करेंगी कि बॉक्स ऑफिस पूरा धुआं धुआं उठेगा। अरे धुआं उठने की बात तो छोड़ ही दो भाई, चिंगारी तक नहीं निकल रही है। 4 दिन में बेल बॉटम ने सिर्फ 13 करोड़ रुपए कमाए। अब जो ट्रेड एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्ट्रेटेजी थी वो गलत थी। डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर इनके बीच कुछ तो प्रॉब्लम चल रही थी जिसको लेकर फिल्म की लोकल लेवल पर पब्लिसिटी भी ढंग से नहीं हुई। इन लोगों का तो ये भी कहना है कि अक्षय कुमार को देखने वाले जो ज्यादातर दर्शक हैं वो सिंगल स्क्रीन वाले हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं जिन तक ये खबर पहुंची ही नहीं, इनका प्रमोशन ही नहीं हुआ। जबकि आज जमाना जो है मोबाइल का है, हर कोई फेसबुक पर एक्टिव है, हर चीज के बारे में लोगों को पता होता है। इनका ये भी कहना है कि 30% रेवेन्यू देने वाले महाराष्ट्र में थिएटर्स खुले नहीं है जिसके चलते इस फिल्म को इतना बड़ा नुकसान। अब हो क्या रहा है बेल बॉटम के फ्लॉप होने से? बॉलीवुड में दिवाली महीने तक जो आने वाली फिल्में थी 83, सूर्यवंशी, गंगूबाई काठियावाड़ी, अतरंगी रे, राधे श्याम, RRR, शमशेरा, ब्रह्मास्त्र, जयेश भाई जोरदार और KGF, ये सारी की सारी फिल्में अगले साल तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। मतलब ये फिल्में अगले साल रिलीज होंगी। हो सकता है कि अगर माहौल कुछ ठीक रहा, कंगना रनौत की थलेवी अगर ठीक ठाक चल गई, तो इनमें से कुछ फिल्में दिवाली के मौके पर रिलीज की जा सकती है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और अगर इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर आ गई, जैसा कि पिछले साल लोग बोल रहे थे कि ना जी ना, कोरोना तो खत्म हो गया है, वो तो अब डर के भाग गया है, चाइना वाले जिनपिंग फुफा जी ने उसे बुला लिया है कि वापस आ जाओ हमारे देश, और हुआ के भाया, ऐसो जोरदार तरीकों से दूसरी लहर आई कि सबकी खटिया ही खड़ी हो गई। अभी भी लोग बोल रहे हैं, दूसरी लहर के बर्बादी के बाद भी लोग बोल रहे हैं कि भाई कोरोना खत्म हो चुका है। लोगों ने मास्क निकालना शुरू कर दिया, खुले में खाना पीना शुरू कर दिया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। रिजल्ट तो आना ही है, तीसरी लहर आनी ही आनी है, क्योंकि बाकी देशों में वापस से केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह का माहौल पिछले साल भी था और इसी तरह का माहौल अब वापस बन रहा है, यानी कि मार्च अप्रैल महीना आते आते तीसरी लहर आना तय है। बहुत सारे लोगों को तो इस बात पर यकीन हो गया कि उन्होंने डबल वैक्सीन ले रखी है। दोनों डोज ले लेने से भैया ये बात सिद्ध नहीं होती है कि आपको अमृत मिल गया है, आपकी मौत नहीं होगी, आप कोरोना के शिकार नहीं होंगे। मुंबई में ऐसे 5 लोगों की मौत हो गई डेल्टा वेरिएंट के चलते, जिन लोगों ने कोरोना की दोनों वैक्सीन ले रखी थी। तो वही बात है कि अगर तीसरी लहर आ गई तो अगला साल 2022 भी बॉलीवुड के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है, और मजबूरी में क्या करना होगा इन्हें, या तो OTT पर रिलीज करे या तो फिल्म को 2023 के लिए आगे बढ़ा। और अगर OTT पर डील करते हैं तो इन्हें इतने पैसे मिलने वाले नहीं है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स भी इन बॉलीवुड वालों की मजबूरी का फायदा जरूर उठाएं। बेल बॉटम के लिए बॉलीवुड के एक्सपर्ट चाहे जो बहाना दे, लेकिन बॉलीवुड के बर्बादी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है सुशांत सिंह राजपूत का केस, जिसके बाद ही बॉलीवुड के प्रति लोगों के मन में नफरत देखने को मिली है। देखिये, कोरोना को आप बॉलीवुड की बर्बादी का बहुत बड़ा रहस्य नहीं मान सकते, बहुत बड़ी वजह नहीं मान सकते, क्योंकि कोरोना तो उस वक्त भी था जब साउथ में लगातार फिल्में रिलीज हो रही थी। मास्टर जैसी फिल्म ने 200 करोड़ का बिजनेस किया, क्या कोरोना उनके लिए नहीं था? जबकि बॉलीवुड की उसी टाइम पर बहुत सारी फिल्में थिएटर में रिलीज हुई थी जो खाता तक नहीं खोल सकी। देखिए, कोरोना में बस फर्क इतना है कि सिनेमाघरों में लोग नहीं जा रहे हैं, सिनेमाघर खुल नहीं रहे, और खुल रहे हैं तो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खुल रहे हैं। उसके बाद भी लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लोगों को घर बैठे OTT पर आराम से बैठकर देखने की लत पड़ गई है, वो भी फ्री में। कोई OTT के लिए पैसे नहीं भरता है भाई साहब, एक इंसान ने भरा तो भरा, नहीं तो सब शेयरिंग में देख लेते हैं, वरना टेलीग्राम जिंदाबाद। बहुत सारी ऐसी साइट है जहां से फिल्में डाउनलोड करके
पूरी की पूरी फैमिली देख लेती है। और अगर आप थिएटर में किसी फिल्म को देखने के लिए जाते हो, अगर एक फैमिली से चार मेंबर भी जाता है तो समझ लीजिए कि आपके 2000 रुपए तो कहीं पर नहीं गए। तो 2000 रुपए डालने से बेहतर है घर पर बैठकर भाई चाय नाश्ता करते हुए फिल्म को देख ले, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है। जिन लोगों के पास नौकरी है उनको आधी सैलरी मिल रही है, ऊपर से घर का खर्चा, राशन, घर का किराया, बच्चों के स्कूल की फीस जो कम नहीं हुई, लाइट बिल भरना, बीमारियों का खर्चा, साग सब्जी का खर्चा, दुनिया भर का खर्चा है। ऐसे में 2000 बहुत कीमती होते हैं। 2000 छोड़ दीजिए, इस वक्त 100 रुपए भी बहुत कीमती है। 100 रुपए में तो पेट्रोल भराकर पता नहीं कितने दिन और कितने किलोमीटर वो गाड़ियां चलाएगा। और बेवजह सिनेमाघर में जाकर अपने आप को कोरोना से पीड़ित करने के लिए कोई भी नहीं सोचे। देखिए, कई लोगों का ऐसा मानना है कि शेरशाह तो हिट हो गई। ये बात मैं भी मानता हूँ कि शेरशाह को अच्छी खासी प्रमोशन मिली है, शेरशाह हिट भी रही है। लेकिन हिट होने की सबसे बड़ी वजह करण जौहर नहीं है कि करण जौहर ने इस फिल्म को बनाया इसलिए हिट हो गई। कोई भी बनाता फिल्म हिट हो जाती। हिट होने की जो सबसे बड़ी वजह थी कि ये फिल्म बनी थी परमवीर चक्र विजेता शहीद विक्रम बत्रा जी के जीवन के ऊपर, और उनकी कहानी को हर कोई जानना चाहता था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। वरना देशभक्ति पर तो अजय देवगन की भुज भी बनी थी और देशभक्ति पर बेल बॉटम भी बनी थी अक्षय कुमार की, लेकिन ये दोनों फिल्में बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। जब सब कुछ अच्छा था तब इसी अजय देवगन की तानाजी और अक्षय कुमार की बहुत सारी देशभक्ति की फिल्में सुपर डुपर हिट हुआ करती। तो आप भले ही अंदाजा लगा लो कि रियल रीजन कोरोना है जिसके चलते बॉलीवुड को नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन मैं असली वजह मानता हूँ सुशांत सिंह राजपूत का केस। जब तक सुशांत सिंह राजपूत के केस की सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक बॉलीवुड को ये घाटा झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता का दिमाग है वो जिस चीज को एक बार एक्सेप्ट कर लेता है उन्हीं चीजों को आगे मानकर बढ़ता है, चलता है। जैसे कि इस वक्त मैं अगर अफगानिस्तान कहूँ तो आपके दिमाग में तुरंत तालिबान आएगा, अगर मैं पाकिस्तान कहूँ तो आपको एक आतंकवाद फैलाने वाला देश नजर आएगा, अमेरिका की बात कहूँ तो आपको जो बाइडेन का चेहरा दिखेगा ना कि डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हैं। कोरोना की बात करूँ तो जिनपिंग फूफा की तस्वीर जो है वो नजर आ जाती है। तो देखिए, अपने वीडियोस में मैं इतने सारे उदाहरण इसीलिए देता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सके, और वीडियोस के नीचे मुझे 99% जो कमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव ही मिलते हैं। एक दो लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं जो चाहे सलमान के फैंस हो या किसी और के फैंस हो, वो गाली गलौज करके जाते हैं, लेकिन मुझे उनका फर्क नहीं पड़ता है। चलो, एक बात की तसल्ली तो है, कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं।